आज दूसरा है रोजगार मेला है। इससे पहले 1 महीना पहले रोजगार मेला लगा था, उसमें 75,000 लोगों को नौकरी दी गई थी। आज 71,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी है। प्रधानमंत्री का ये आह्वान के 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है, उसी सिलसिले में ये दूसरा मेला लगा है। इतना और भी मेले लगेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। और इसके बिना भी बहुत सारी स्कीमें शुरू की गई हैं, जैसे नौकरी का प्रावधान किया गया है, जैसे स्टार्टअप स्कीमें, कोई 82,000 स्टार्टअप हमारे रजिस्टर हो चुके हैं। हर रोज 80 जो स्टार्टअप रजिस्टर होते हैं, ये वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। तीसरा सबसे बड़ा इको सिस्टम है दुनिया का स्टार्टअप स्कीम। इसमें कोई 8-10 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दी गई हैं और स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और नौकरियाँ लोगों को मिल रही है। टोटल 400 कैंडिडेट्स हैं जिनको अपॉइंटमेंट लेटर देना है, और इसमें 202 ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्टेट के हैं, और यहाँ टोटल 202 कैंडिडेट्स को देना है, जिसमें हमारे मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आ रहे हैं इस फंक्शन के चीफ गेस्ट में। वो आए कैंडिडेट्स काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ उनको जॉब मिल रहा है और कोई बड़ी चीज़ उनको जीवन में मिल रहा है और काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आए हैं। और बड़ी बात है कि आपको मंत्री जी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। और वो सारे बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं जालंधर BSL के कॉम्प्लेक्स में। अलग अलग जॉब्स के हैं, कुछ CAPF के हैं, ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, ग्रुप सी, ग्रुप डी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, कुछ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के भी हैं, BSF के हैं, SSB के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, हम थैंक करना चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे को अपॉर्चुनिटी दी आगे आने की। ऐसे हमेशा जो इंडिया के नौजवान है वो आगे आना चाहते हैं, और हमारी प्राइम मिनिस्टर जी से ये दरख्वास्त है कि हमेशा ऐसे ही जो है इंडिया के नौजवानों को अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें लाइफ में। और काफ़ी थैंक्स करना चाहते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।